हेलो स्टूडेंट, मोहित देवता प्रिया के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा। मैंने इसे जस्ट जो पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था बिट वाइज एंड ऑपरेटर और बिट वाइज और ऑपरेटर, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि इस मैं आप याद बताऊँगा आपको मैं बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर और बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में कि बिट वाइज एक्स और क्या होता है और बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपने एक्स और के बारे में कि बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर क्या है। बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर के लिए जो सिंबल प्रयोग में आता है वो आता है ये सिंबल प्रयोग किया जाता है एक्सोर के लिए। देखो ये क्या है कि बिट वाइज एक्सोर ऑपरेटर की एक कंडीशन है कि इसमें जब दो ऑपरेटर में से कोई एक का मान ट्रू होगा तभी इसका आंसर किसमें आएगा, ट्रू में आएगा। मतलब क्या करते हैं कि इसमें जिसे मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था मैंने 45 आपका डेसिमल वैल्यू था और उसको मैं बदलता हूं किसमें, क्या नाम है, 7 आपका डेसिमल वैल्यू था, इसको मैं बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर का ऑपरेशन करूंगा तो आपको ये क्या परिणाम मिलेगा वो अपने देखेंगे। क्योंकि मैंने 45 को मैंने आपको पहले एंड और मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैंने आपको यहां पर 45 ही लिया है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले 45 को बिट पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर 7 को क्या करेंगे बिट पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। दोनों को कन्वर्ट करना है तो पहले अपने करते हैं कन्वर्ट किसमें करते हैं, 45 को करते हैं कन्वर्ट किसमें, बिट पैटर्न में। तो उसका बिट पैटर्न क्या होगा, 101101, ये क्या है इसका बिट पैटर्न है जो आपका बाइनरी नंबर है जो अपन ने अगले वीडियो में कन्वर्ट किया ही था। अब करते हैं 7 को, 7 का भी बिट पैटर्न क्या होता है आपका 111, ये आपका बाइनरी पैटर्न हो गया। दोनों को अपने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है कि अपने को एक्स और ऑपरेशन करना है, क्या करना है एक्स और ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले एक्स और ऑपरेशन करने के लिए मैं टेबल बनाऊंगा पहले एक्स और की, उसको मैं ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे एक्स और ऑपरेशन करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये आपका आंसर। अगर ये ट्रू होता है फर्स्ट ये भी ट्रू होता है तो आंसर किस में आएगा आपका, फॉल्स में आएगा। अगर ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो आंसर किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। मैं बताया था आपको कि इसमें दोनों ऑपरेटर में से किसी एक का मान ट्रू होने पर ही ये क्या देता है, आंसर ट्रू में देगा, बाकी सभी कंडीशन में आंसर किस में देगा, फॉल्स में देगा। ये ट्रू है ये ट्रू ये फॉल्स है तो आंसर किस मिल रहा है आपको, ट्रू मिल रहा है। देखो यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू, आंसर किस मिल रहा है आपको, ट्रू में, बाकी सब में आपको फॉल्स में आंसर मिलेगा। ये एक्स और ऑपरेटर है। अब क्या करते हैं कि अपने 45 और 7 को लिखते हैं रैंडमली, जैसे लिखा था मैंने लिख दिया, जैसे मान लो 45 को मैंने थोड़ा दूर दूर लिख दिया 10, इसके बिट पैटर्न को मैंने थोड़ा दूर दूर लिख दिया 1101। अब मैंने 7 को लिख दिया 111, मैं आगे इसके जीरो लगा सकता हूं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है आपका एक्सोर ऑपरेटर है जिसका सिंबल ये है, अब इसको अपने हल करेंगे इस टेबल के अनुसार कि टेबल में क्या आ रहा है, ट्रू ट्रू क्या होगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू क्या होगा आपका, ट्रू होगा, फिर ट्रू ट्रू क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स क्या होगा आपका, ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स क्या होगा आपका, फॉल्स ही होगा। तो यहां पर भी क्या होगा आपका, फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या होगा आपका, ट्रू होगा। मतलब आपको जो मान मिला है वो क्या मिला है, ये सॉरी ये मिला है, अपने इसको यहां ले लेते हैं 1010010,
ये आपका क्या है, बारी पैटर्न है जो मैंने एक्स और ऑपरेटर के द्वारा ज्ञात किया इनको कैलकुलेट करके। अब उसको क्या बदलेंगे, अपने डेसिमल बदलेंगे तभी क्या मिलेगा आपको, आपका आंसर मिलेगा। तो मैंने आपको जो टेबल बताई थी पहले, इससे पहले उस टेबल पर दोबारा देखते हैं, अपने यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या डेसिमल, तो यहाँ आपका आ जाएगा आंसर। वही मैं बताया था, एक दो, दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर आठ, आठ का स्क्वायर सोलह, सोलह का स्क्वायर बत्तीस, बत्तीस का चौंसठ, चौंसठ का हो गया आपका 128 और ये हो गया 256। ये मैंने बताया था। अब इस बिट एग्जाम है जो बिट पैटर्न है आपको यहाँ से लिखना शुरू कर दो नीचे क्या, जीरो वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो और फिर वन। भाई बताया था कि जहां जहां वन है उसको जोड़ना है, जैसे एक वन यहाँ पे आ रहा है आपका, एक वन यहाँ पे आ रहा है और एक वन आपका यहाँ पे आ रहा है, एक दो तीन जगह वन आ रहा है, तो क्या हो गया बत्तीस, सॉरी बत्तीस प्लस आठ प्लस दो, मतलब ये मान जोड़ना है बत्तीस आठ और दो जोड़ना, कितना बत्तीस चार कितना हो गया चालीस प्लस कितना हो गया दो बयालीस, मतलब 42। तो 42 आपका क्या आया है आंसर आया है। अगर मान लो अपने इस संख्या का एक्स और मान निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 42। तो ये था आपका बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर द्वारा कैसे हल किया जाता है, बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर किस प्रकार से हल करता है किसी वैल्यू को, ये देखा गया। बिट वाइज एक्स और के बाद में अब देखते हैं अपने बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में कि बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो राइट टू लेफ्ट बिट पैटर्न को आगे क्या है ट्रांसफर करता है। मतलब आपको क्या करना है कि किसी वेरिएबल का सबसे पहले बिट पैटर्न निकालना है, फिर उस बिट पैटर्न को क्या करेगा, मतलब चाहे एक या दो आपको कितने भी मान आप उसमें क्या नाम है लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आप उसको लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो। वो लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा आपका राइट टू लेफ्ट, और जो राइट में जो रेखा खाली होगी उसमें क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक ही जीरो आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ जैसे एंट, तो मान लीजिए मैं लिख दिया ए बराबर 45, यानी लिख दिया ए बराबर जगह पर क्या लिख दिया 45। अब मुझे क्या करना है इसमें एक शिफ्ट करना है, तो ये जो निशान है ये वाला, ये निशान किसका है आपका लेफ्ट शिफ्ट का, लेफ्ट शिफ्ट का ये निशान है सिंबल है। इसमें क्या होगा ये 45 का सबसे पहले क्या होगा कि पहले सबसे पहले 45 का बिट पैटर्न निकाला जाएगा, वो बिट पैटर्न कौन सा होगा 8 बिट, कौन सा होगा 8 बिट पैटर्न निकाला जाएगा। 8 बिट पैटर्न का मतलब कि वो संख्या है जो आपका जो बाइनरी नंबर है वो कितने डिजिट का होना चाहिए, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, उसको बोला जाता है 8 बिट पैटर्न। फिर उसमें क्या है कि ए को लेफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा, जब लेफ्ट में आगे शिफ्ट होगा तो राइट में जो जगह खाली होगी उसमें क्या आ जाएगा जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वैसे क्या होता है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डबल करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे मैं इसको करके बताता हूँ आपको, जैसे ए बार कितना है 45, तो सबसे पहले मैं 45 का क्या करूंगा बिट पैटर्न निकालूंगा, मैं निकालूंगा 45 का बिट पैटर्न, कितना होता है बिट पैटर्न आपका होता है 1011 और होता है आपका 01, ये आपका हो गया 45 का बिट पैटर्न। लेकिन ये कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिट का है, मतलब मुझे क्या करना है 8 बिट पैटर्न में बदलना है, भले मतलब मैं इसे करूंगा इसके आगे 20 लगा दूंगा, मैं लिख सकता हूँ 45 एक दो फिर 1 1 0 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने डिजिट हो गए ये 8, मतलब ये बाइनरी के क्या हो गया 8 डिजिट है, मतलब क्या ये 8 बिट पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे कि एक को
शिफ्ट करेंगे तो ए का क्या करेंगे, बाइनरी पैटर्न निकालेंगे, तो ए का बाइनरी पैटर्न कितना होता है, वन ही होता है। तो क्या किया जाएगा इसको आगे, ये एक आपका आगे यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब यहां से जैसे आप बोल सकते हैं ये यहां से यहाँ पे क्या होगा आपका शिफ्ट होगा। तो ये जब शिफ्ट होगा तो ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, मतलब ये चीज हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, और पीछे जो जगह खाली होगी वहां पे क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। मतलब ये जीरो जब आगे ये जो नंबर आपके शिफ्ट होंगे आगे लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा आपका ये जो संख्या है ये संख्या तो आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और जो पीछे जो जगह खाली होगी इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। मतलब ये क्या है, एक एक है, तो मतलब क्या है एक बार ही शिफ्ट करेगा। तो अब जो ये नंबर निकल रहा है आपका वो क्या मिल रहा है अपने को, जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन। अब ये अपने को मिला है बाइनरी नंबर, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, और सॉरी अपन जीरो लगाया नहीं, इसमें जीरो की जो भी है आपका आएगा ये जीरो आठ। अब ये एट बिट पैटर्न का आपका निकला हुआ है बाइनरी मान। अब क्या करना है, इसको डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलेंगे तभी आपको क्या पता चलेगा, आके आपके आंसर का पता चलेगा आपको। तो मैंने कल जो टेबल बताई थी उस टेबल का प्रयोग करते हैं अपने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक और तो दस हो गए, यह आपका डेसिमल वैल्यू है। और इसमें अपने क्या लिखेंगे सबसे शुरुआत में, वन ए का स्क्वायर, टू टू का फोर, फोर का एट, एट का सोलह, सोलह का बत्तीस, बत्तीस का चौंसठ, चौंसठ का एक सौ अट्ठाईस और दो सौ छप्पन, ये इनका स्क्वायर मैंने निकाल लिया। अब इस संख्या को इस तरह से लिख देंगे, जीरो वन जीरो वन वन जीरो और वन, ये अपन ने क्या कर दिया इसको लिख दिया, कितने आ गए ये एक दो तीन चार पांच छ सात और आपका ये जीरो आपका आठ दस होना, ये जीरो हो गया, ये एक जीरो वन, ये वन हो गया, सॉरी मैं जगह खाली कर दी छोड़ दिया अभी से मैंने, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे वन हो गया, ये जीरो आएगा यहाँ होगा आपका वन और फिर यहाँ पे जीरो। अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे एक है, जहाँ जहाँ पे आपका एक आया है, जैसे यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, मतलब एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ सही है। तो जहाँ जहाँ पे एक है उनके नंबर को अपने क्या करते हैं जोड़ लेंगे, चौंसठ प्लस सोलह प्लस आठ प्लस दो कितने होते हैं, ये आपका कितना होगा चौंसठ और सोलह कितने हो गए आपके, सोलह ये क्या हो गए छः सत्तर, सत्तर अस्सी, अस्सी हो गए और आठ और दो दस, अस्सी प्लस दस मतलब कितना हो गया टोटल आपके नब्बे, मतलब ये आपका जो मान निकला वो कितना निकला, तो डेसिमल मान कितना है दस है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि ये क्या करता है नंबर का डबल करेगा, जो भी आपकी वैल्यू है वेरिएबल की उसके मान को क्या करेगा डबल करेगा, जैसे मैंने कितना किया था ए में कितना था पैंतालीस, अब कितना होगा यहाँ पे ये हो गया नब्बे। तो मतलब बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल के मान को डबल करने का काम आता है, और इसके लिए दो ऑपरेट की आवश्यकता होती है, एक ऑपरेट आपका ये रहा, दूसरा ऑपरेट आपका ये रहा। आपने क्या किया इसको शिफ्ट किया, तो ये क्या होगा आपका राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट में क्या होगी आपकी जगह खाली होगी, और जो राइट में जो जगह होगी इसमें क्या हो जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, तो ये मान को क्या करेगा डबल करेगा। धन्यवाद।